चुनाव हम लोग जो है एक गवर्नमेंट चुनने के लिए कर रहे हैं, न कि कोई सेना का सेनाधिपति चुनने के लिए कर रहे हैं। अगर हम जनरल चुनने जाते तो हो सकता है हम मोदी जी को वोट दे देते कि बहुत अच्छे जनरल हैं वो और घर में घुस के मारने की बात करते हैं, लेकिन हमें प्रधानमंत्री चुनना है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मध्य प्रदेश में मुद्दे जो हैं बीजेपी के पास पहले दिखता था एक समय कि वो इकोनॉमी को लेकर के, विकास को लेकर के इन चीज़ों पर चुनाव लड़ेंगे, पर वो मुद्दे तो कहीं अब नज़र नहीं आते हैं मैदान में। उनके पास केवल ले दे करके सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, सेना, इस तरह के मुद्दे बच गए हैं और उन्हीं पे लगता है वो पूरा चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे पूरे देश भर में एक लहर जैसी कोई होती है वैसी कोई नज़र नहीं आती, बल्कि अलग अलग सीटों में अलग अलग कारणों से अलग अलग माहौल बना हुआ है कि जहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, जहाँ पर दूसरे और नेता चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर माहौल अलग है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि चुनावी जो तासीर है वो किस पार्टी के पक्ष में, ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और सरकार में भी वापसी हुई उसकी, और यदि विधानसभा के चुनाव परिणाम को देखें और उसको यदि लोकसभा में ट्रांसलेट करें लोकसभा चुनाव में, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ बेहतर कर पाएगी और उसकी सीटों की टेली बढ़ सकती है, 3 से वो दुगने तिगने तक जा सकती है। लेकिन पक्के तौर पर एक तरह का माहौल पूरे प्रदेश में हो ऐसा नज़र नहीं आता। भोपाल सीट जो है पिछले 30 साल से बीजेपी का गढ़ माना जाता है और एक ऐसे माहौल में दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी हुई, जब याद करें कि अभी 5 महीने पहले भाजपा को जो वोट्स मिले थे वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा थे, 1% ज़्यादा वोट थे। तो इस माहौल में बीजेपी के गढ़ से कांग्रेस के दिग्गज को खड़ा करना एक तरह का चैलेंज जाता था बीजेपी को, उस चैलेंज को ही उन्होंने स्वीकार किया है और लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना अपनी नज़र से उन्होंने अपना सबसे अच्छा कैंडिडेट शायद उतारा है। साध्वी को एज तो इस माने में माना जा सकता है कि पिछले 30 साल से सीट बीजेपी के पास लगातार रही है, भले ही उसके कमजोर प्रत्याशी भी खड़े हुए तो भी वो जीतते रहे। भोपाल के चुनाव को, भोपाल की सीट को आप इस रूप में एक प्रयोग के रूप में देख सकते हैं कि कांग्रेस ने हिंदुत्व का वो सहारा बाकी सीटों पर नहीं लिया है जिस तरह से भोपाल में दिग्विजय सिंह ने लिया है। यदि दिग्विजय सिंह जीत जाते हैं तो फिर ये जो उनका प्रयोग है कि हिंदुत्व पर बीजेपी का ही कब्जा नहीं है, उनका एकाधिकार नहीं है, कांग्रेस भी हिंदुत्व के साथ जुड़ी है या हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो कांग्रेस के लिए एक नया प्रयोग लगता है। यदि वो सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब जो हिंदुत्व का जो प्रयोग है जो कांग्रेस कर सकती है या कर रही है वो असफल। हालांकि इनके पास कैंडिडेट्स की यहाँ पे कमी नहीं थी, एक तरफ वो मतलब बड़े बड़े कैंडिडेट्स जो बहुत अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते थे दिग्विजय सिंह जी का, कहीं शिवराज सिंह चौहान हैं, बहुत उनके बारे में कहा जाता है बहुत लोकप्रिय हैं वो, उमा भारती हैं, उनका करिश्माई व्यक्तित्व है वो थी, बाबूलाल गौर 10 बार चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से, भोपाल के लिए उनसे बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकता था। इन सब को नज़रअंदाज करके, दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुना उनके खिलाफ, तो जाहिर है उनमें काफ़ी गुण दिखे होंगे बीजेपी को। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की वजह से बीजेपी को कोई एज मिला है। इस बार भी हम चुनाव जो देख रहे हैं यहाँ पे, जितने लोगों से बात हुई है मेरी वो मोदी जी का नाम लेते हैं पार्टी में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, क्योंकि वो तो पार्टी से बाहर की हैं। एन चुनाव के पहले, कुछ घंटे पहले, उनके नॉमिनेशन के पहले उनको पार्टी में मेंबरशिप दी गई और फिर चांदी की तस्करी में रख करके उनको टिकट पेश किया गया। तो वहाँ तो भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी सुनते हैं, उनसे नाराज़ हैं और वो चुनाव का जो जिस तरह से कैंपेन चला शुरुआत में उसमें नज़र आ रहा था। इसी वजह से उन्होंने, भाजपा ने तो ये किया कि भाजपा ने, RSS ने, सब ने मिलकर इतने लोग यहाँ भेज दिए हैं उस कैंपेन को मैनेज करने के लिए कि वो उससे हाई, जो आप हाई
वोल्टेज और हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे थे, वो बन गया है वो। प्रज्ञा ठाकुर कहा जाए कि बिल्कुल खुले दम में बात कहते हुए चल रही हैं कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह का चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही, दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ का पूरा जो चुनाव का मुद्दे हैं, ये चुनाव लड़ने के तौर तरीका है, जिस तरह से साधु संतों को लाकर चुनाव प्रचार में लगाया दिग्विजय सिंह ने, और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस से अलग है। कांग्रेस के चुनाव लड़ने का तासीर जो है वो अलग है। यहाँ पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी जी को बीजेपी ने एक चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। वास्तव में इस बार मुद्दे बहुत साफ है और चुनाव के पहले भी लगभग स्थितियां लगभग साफ हो गई थी। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा सिर्फ इस बात पर है कि मोदी मुद्दा है या नहीं है, मोदी हाँ है या नहीं है। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और जो नैरेटिव सेट किया है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, और इसके कारण से बाकी सारे राजनीतिक दल उस नैरेटिव पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि कांग्रेस नैरेटिव सेट करती, कांग्रेस के प्रत्याशी नैरेटिव सेट करते और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देते। जैसे भोपाल में दिग्विजय सिंह जब प्रत्याशी बने थे तो नैरेटिव कुछ और ही था, लेकिन जैसे ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर मैदान में आई पूरा नैरेटिव नरेशन सब कुछ बदल गया, मुद्दे बदल गए। अब आज दिग्विजय सिंह गाय को घास खिलाते हुए नजर आते हैं, कल साधु संतों के साथ मार्च करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहां गया आपका सेकुलर एजेंडा? मध्य प्रदेश आरएसएस का और बीजेपी का लैब टेस्टिंग ग्राउंड रहा है जिस तरह से, और यहां और गुजरात के दो अलग अलग भिन्न मॉडल हैं। जिस प्रकार से कुछ इनके एक्सपेरिमेंट्स जो हार्डकोर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं गुजरात में होते हैं, और जो सॉफ्ट कोर के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए आमतौर पे मध्य प्रदेश इनका टेस्टिंग ग्राउंड रहता है। एजेंडे की बात कम करते हैं, अपनी परिकल्पना की बात कम करते हैं, अपने विकास की परिकल्पना के बारे में रिचुअल्स तो पूरे कर दिए कि साहब अपना उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया, अपना परिकल्पना पत्र जारी कर दिया, लेकिन बात कुछ और करने लगे हैं। बात अब राम रहीम की होने लगी है, बात अब गाय और दूसरे चीजों की होने लगी है, राष्ट्रवाद की होने लगी है। एक मुद्दा कॉमन है कि मुद्दा सिर्फ मोदी है। इसमें आप सड़क, बिजली, पानी, बिजली, सरकार के परफॉर्मेंस, जीएसटी, इनकी बात कहाँ हो रही है? हो भी रही है तो वो इको नहीं कर रही है, लेकिन अगर कोई बात हो रही है तो वो गाली गलौज की बात हो रही है, वो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात हो रही है, अतीत में जीने की बात हो रही है, भविष्य के सपनों की बात हो रही है। आज आप हमारे लिए कौन सा एजेंडा लाए हैं, कौन सा जो प्रत्याशी वो कहता हुआ नजर आता है, कहता भी है तो सिर्फ वो रिचुअल्स के तौर पर, प्रतीक के तौर पर। मोटे तौर पे मोदी वेव के ऊपर ही भाजपा निर्भर है, उनके पास में अभी अपने स्वयं के कोई मुद्दे नहीं। अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद का नैरेटिव तो पार्टी ने पूरे देश भर में फैला रखा है, और ख़ासतौर से अगर आप साध्वी की बात कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, तो उसको भोपाल से भाजपा ने टिकट देकर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, मैं कहूँगा कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आतंकवाद की एक्यूज्ड जो 9 साल जेल में रही और आज भी उसके ऊपर वो आरोप हैं, और वो हेल्थ ग्राउंड्स पे उसको ज़मानत मिली है, और अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे उसको ज़मानत मिली है, और अगर वो यहाँ पे उसको खुलेआम प्रचार की और सब सारी तरह की इजाज़त दी जाती है, तो मुझे लगता है कि भाजपा का एक ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा कि किस तरह से वो जिसको अभी तक के लोग फ्रिंज एलिमेंट्स बोलते थे, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को मेन स्ट्रीम में शामिल करना, ये एक भाजपा का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो वो भोपाल के माध्यम से करना चाह रहे हैं। भोपाल में टक्कर बहुत है और बहुत कड़ी टक्कर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस बात को जानते हैं, तो वही हथकंडे अपना रहे हैं जो साथ भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अख्तियार कर रही है, तो हिंदू उनके साथ भी पोलराइज होगा। लेकिन अब कौन कितना पोलराइजेशन कर पाता है, साथ पोलराइजेशन कर पाता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि दूसरा बड़ा खतरा का सिर्फ मौजूद है। वो खतरा मौजूद है कि अगर आप भगवा ध्वज के साथ में अपनी प्रचार यात्रा निकालते हैं, अपना रोड शो करते हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता है वो संकेत हो सकता है, वो कंसोलिडेट होने से बच सकता है, उसको लगेगा कि आप में और फिर प्रज्ञा में क्या फर्क है। एक आकलन ऐसा कहा जा सकता है कि 10 सीटों तक कांग्रेस यहाँ पर
पहुंच सकती है। फिर मैं कहूंगा, बार बार ये कहूंगा कि मुद्दा सेट है, नैरेटिव सेट है, मुद्दा राष्ट्रवाद है, लेकिन बहस के लिए बहुत से मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जुमलेबाजी हो या दूसरे मामले हों, लेकिन निरर्थक की बातों पे चुनाव घूमता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह से कल बाबाओं ने दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनाव निकाला, ये कैसे बाबा हैं जो कल शिवराज के साथ खड़े थे, आज वो दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हो गए, ये आपको क्या देने वाले हैं? अगर रैली निकलना थी तो निकलना चाहिए भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर या महिला आरक्षण पर, लेकिन इन मुद्दों की कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता है। हर व्यक्ति रिलीजियस और सेंटिमेंटल सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है।